एक अधिकार को संरक्षित करने के लिए आया था सर, वो किसी को तबाह करने के लिए नहीं था। तबाह तो नेता करते हैं सर, नेता इस्तेमाल करता है, कोई दलित या कोई अपर कास्ट नहीं करता। मुट्ठी भर लोगों से उस दिन करवाया गया सर। जहां तक आरक्षण का सवाल है, लास्ट पॉइंट है मेरा सर, बड़ा है तोबा देश में मचा हुआ। मुझको लोगों ने कहा दो ठो गाड़ी टूट गई, अंकुश सिंह सुन लीजिए बहुत गंभीरता से। मैंने एक सवाल किया महंगाई के सवाल पर, सर आश्चर्य होगा आपको, 7,78,000 आदमी भूख से मरे। मैंने कहा एक गाड़ी फूट गई तो जाप के गुंडे और 7,78,000 लोग आत्महत्या और भूख से मर गया तो वो किसके गुंडे सर, वो किसके गुंडे? नेताओं के ना सर। पद्मावत पिक्चर चली ना कि रुक गई, 20 दिनों तक 100 आदमी मरे थे सर देश में, सर उसका क्या था? जय श्री राम के नाम पर कितना हिंदू मुसलमान मर जाता है सर? लाखों। वो क्या था सर? जय परशुराम के नाम पर हजारों, जय भीम के नाम पर सैकड़ों, मराठे आंदोलन के नाम पर हजारों, जाट आंदोलन के नाम पर 3 दर्जन बेटियों का बलात्कार हुआ था हरियाणा में, याद है? याद है कि भूल गए? याद है। नालायक बाप का लायक बेटा या लायक बाप का नालायक बेटा? लायक बाप का नालायक बेटा, गांव धोने का दूर नहीं, बाप को फंसा के मार देने वाला बेटा और बेटी अखंडान। बाप ने तो बचना चाहा, इन लोगों ने मोक करके मार कमाया। लालू यादव को मैं जानता हूं, पार्टी चलाने के लिए पैसा नहीं था, इसी तरीके से वो जोगाड़ कर लेता था या दे देता था। आज यदि लालू यादव को अंतिम समय में पहुंचा दिया किसी ने, उसका नाम, लालू यादव की बीवी से लेकर के उसका बच्चा सब सर सब ने मिल करके पैसा लूटा सर, लालू यादव ने नहीं, याद रखिए। और वो कहता है नौटंकी करता है, सबने मिल। और लालू यादव जब जेल गए तो मजे कौन ले रहा है? नेता बन गए। राजद लालू यादव से था और राजद लालू यादव से खत्म हो गया। अब राजद जो है वह इस युवाओं की भीड़ से है, अब राजद किसी की पपोती नहीं है। पिछड़ा और दलितों की राजनीति जिसने धूप नहीं देखा, ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाला अकेला चुनाव लड़के देख लो। और नीतीश जी आपके जो प्रवक्ता लोग हैं, जिसको माल गाल से फुर्सत नहीं है उसको कहिए संभल के रहे और औकात में रहे। दलाली करने वाला भी पप्पू यादव पर उंगली उठाए और जो घर की दलाली से भी बाज ना आए वो भी पप्पू पर घर उठाए। पहले अपने घर को बचाओ तब दूसरों के घर पर उंगली उठाना। मैं तो बोलूंगा तो नंगा कर दूंगा। और सब मिलके लड़ते और कहते हो मैं बीजेपी से पैसा खा ली, बीजेपी के बदौलत पहली सरकार लालू यादव और 11 MLA के बदौलत पप्पू यादव के द्वारा सरकार बनी थी। और जब लालू यादव मुसीबत में हुआ पप्पू यादव खड़ा सपोर्ट किया, जब लालू यादव के साथ मधेपुरा में हम खड़े हुए तो वो जीते नहीं थे तो हारे। और आप लोगों के पास बहुत लाठी गोली है, मार भी दीजिएगा। हमारी जिम्मेदारी तो समाज बचाने की है, हम तो सिर्फ कह सकते हैं सर इस दुनिया की हिस्ट्री को। सर आरक्षण एक काम करिए, SC/SC के बिल पर सब नेता एक हुए कि अधिकार के लिए हम सबको एक रहना चाहिए।
आरक्षण के सवाल पर पप्पू यादव का एक मांग है यहां से। नवंबर में लोकसभा का सत्र होगा, नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी, रामविलास पासवान जी, आप लोग पिछड़ा और दलित के नाम पर कलंक कलंकी हो सर, कलंक सर, लालू यादव ना, नीतीश, शरद सर, 5% आरक्षण ओबीसी को नहीं दे पाया, 106 जाति एसटी एससी में है सर, 106, और 36 जाति एसटी एससी के लिए लोकसभा में बिल पारित हो चुका है, और 5% भी काका कार्रवाई करके बाद कर्पूरी ठाकुर जी के जाने के बाद रामविलास जी, शरद जी, बीपी सिंह ने तो कुर्बानियां दी, ना वो घाट के रहे ना पाट के, ना राजपूतों ने सम्मान दिया ना पिछड़ों ने, इतना गंदा है पिछड़ों के नेता, इतने स्वार्थी है लालू यादव, शरद और रामविलास नहीं, बीपी सिंह नहीं होते तो ये आरक्षण लागू नहीं होता। बीपी सिंह सामाजिक न्याय का मतलब है मानवतावादी लड़ाई, लोहिया और जयप्रकाश, लाला और बनिया, इन लोगों ने तो इतने दिन रात पाट किया नीतीश कुमार, मैं इन चारों पांचों नेताओं को चुनौती देता हूं कि ओबीसी का आरक्षण लागू 49 साल सत्ता में रहने के बाद क्यों लागू नहीं हुआ। और आज दुकान खोलकर आरक्षण की आग, देश को नफरत की आग में धकेलना, गुज्जर कहता है मुझे दो, पट्टेदार कहता है मुझे दो, मराठा कहता है मुझे दो, जाट कहता है मुझे दो, मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं 130 करोड़ लोगों की जनगणना को नवंबर के लोकसभा में ओपन करो, जिस जात की जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी तय करो। नारा सुनो, यदि एसटी एससी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और गरीब है, और ईबीसी यदि उससे ज्यादा है, गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर है, ब्राह्मण यदि गरीब है, तो बहुत बराबर आरक्षण बांट करके आरक्षण का दुकान समाप्त कर दो। लेकिन एक बात पप्पू यादव कहना चाहेगा इस मंच से, ऊंची जात के लोगों से और यादव और कुशवाहा पूर्वी से, ये छवो से, आज एक काम करिए, आरक्षण बांट लेते हैं हम लोग जनसंख्या और गरीबी के आधार पर, लेकिन जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी सत्ता और न्यायालय में भागीदारी भी तय कर दीजिए।